तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति का रास्ता रोकता है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है एक सिंपल वे से जा रहा होता है, वो व्यक्ति उसके आगे आ जाता है और उसे किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव होने को नहीं देता, तो उस केस के अंदर उस व्यक्ति के ऊपर कैसी कानूनी कार्रवाई होगी। और तो और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति को एक कमरे के अंदर लॉक कर देता है और उस व्यक्ति को उस कमरे से बाहर निकलने की कोई भी इजाज़त नहीं देता, यानी कि उस व्यक्ति को अपनी कस्टडी के अंदर रख लेता है, एक चेन से बांध देता है, रस्सी से बांध देता है, तो उस केस के अंदर उस व्यक्ति को कितने साल की जेल हो सकती है। तो चलिए, अगर आप भी इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इंडिया में चल रहे दिन प्रतिदिन कानून की जानकारी लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो इसमें यही आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया के अंदर दूसरे किसी व्यक्ति का रास्ता रोकता है तो उस व्यक्ति के ऊपर कैसी कानूनी कार्रवाई होगी। आईपीसी सेक्शन 341 ये कहता है कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी एक पब्लिक वे है और उस वे पे चलने का हर एक व्यक्ति का एक अधिकार बनता है, यानी कि हर एक व्यक्ति की एक राइट है उस पब्लिक वे पे जाने के लिए, अगर उस पे आकर के कोई भी एक थर्ड पर्सन खड़ा हो जाता है और दूसरे किसी व्यक्ति को उस वे से आगे जाने का रास्ता नहीं देता, यानी कि उसके अंदर एक बाधा बन के खड़ा हो जाता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उस व्यक्ति को कम से कम 1 महीने की जेल हो सकती है और इसी के साथ साथ उस व्यक्ति को चुकाना पड़ सकता है 500 रुपए का फाइन। इसमें दूसरा सवाल ये आता है कि अगर कोई भी पर्सन दूसरे किसी पर्सन को एक कमरे के अंदर लॉक कर देता है, रस्सी से बांध देता है, चेनों से बांध देता है, चेयर पे बिठा करके एक पोल से बांध देता है, तो उस केस के अंदर उस व्यक्ति के ऊपर कैसी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आईपीसी सेक्शन 342 ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति को अपनी कस्टडी के अंदर रखता है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति को या तो कोई भी रस्सी से बांध देता है या फिर कोई भी वायर से बांध देता है जिससे कि वो व्यक्ति उसकी कस्टडी के अंदर रहता है और वो व्यक्ति उसकी बाउंड्री पार नहीं कर सकता, तो उस केस के अंदर जिस भी व्यक्ति ने उसे बंदी बनाया होता है उसे कम से कम 1 साल की जेल हो सकती है। मान लो कि 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए और दूसरे व्यक्ति का नाम है बी। ए जो है बी के घर पे जाता है किसी भी एक वजह से और वहाँ जाकर के बी जो है ए को लॉक कर देता है एक कमरे के अंदर और ये कहता है कि अगर तूने मेरे घर की बाउंड्री पार करने की कोशिश करी तो मैंने जो है बंदूकों से लैस, यानी कि पिस्तौले से लैस जितने भी लोग हैं मैंने अपने घर की बाउंड्री के ऊपर खड़े किए हुए हैं और अगर तू मेरे घर की बाउंड्री पार करने की कोशिश करेगा तो तुझे गोली मार दी जाएगी। तो ऐसे में ए एक अपराध कर रहा है जिसका नाम है रॉन्ग कन्फाइनमेंट, जो सेक्शन 342 आईपीसी के अंदर अपराध है और ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर पाया जाता है करता हुआ तो उस व्यक्ति को 1 साल की जेल हो सकती है और इसी के साथ साथ उस व्यक्ति को चुकाना पड़ सकता है एक बहुत ही बड़ा फाइन। लेकिन यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बंदी बनाया होता है, यानी कि एक 4 दीवारी के अंदर बंद किया होता है 3 दिनों से ज़्यादा, तो उस केस के अंदर जिस भी व्यक्ति ने उसे बंदी बनाया होता है उसे 2 साल की जेल हो सकती है। और तो और आईपीसी की धारा 344 ये कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति को अपना बंदी बनाता है 10 दिनों से ज़्यादा, तो उस केस के अंदर जिस भी व्यक्ति ने उसे लॉक किया होता है उसे कम से कम 3 साल की जेल हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इन अपराधों के अंदर बेल लेनी हो तो वो व्यक्ति उस अपराध के अंदर बेल कैसे लेगा। ये जितने भी अपराध हैं जिनकी हमने बात करी है ये सारे अपराध जो हैं बेलेबल ऑफेंस होते हैं और इन अपराधों को खत्म किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पे, यानी कि जिस भी व्यक्ति को एक व्यक्ति ने बंदी बनाया होता है अगर वो व्यक्ति जो है मान जाता है केस खत्म करने के लिए कहता है तो कोर्ट की परमिशन से केस को खत्म किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी अपराधों की हमने बात करी है, चाहे वो किसी व्यक्ति का एक रास्ता रोकना हो या फिर अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाना हो, तो उस केस के अंदर उन केसेस को खत्म किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।